आज बोल रहे थे कि उत्तराखंड बंद है, लेकिन बंद के हाल तो ये दिख ही रहे हैं कि हेलो गुड मॉर्निंग और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है अच्छी सी धूप खिली हुई है और मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ। आज का ट्रैवल काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसिंग होने वाला है, यानी यहाँ से केदारनाथ का ट्रिप है। और अभी जो है टाइम अगर आपको दिखाऊँ तो सुबह के ना 9:58 हो रहा है। तो 9:58 अब निकल रहा हूँ, तो थोड़ा सा पैदल जाना है, उसके बाद टीचर के साथ निकलना है। तो मेरे साथ मेरे टीचर हैं और उनके साथ जो है केदारनाथ जाने का ट्रिप बना हुआ है। तो टीचर जो हैं वो बिलोंग करते हैं पिथौरागढ़ से, तो उन्होंने बोला कि छुट्टियाँ भी हैं, तो बोला कि चलते हैं केदारनाथ के लिए। मैंने कहा यार चलो ठीक है, क्योंकि मैं भी रूम पे ही था, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम से कोई ट्रिप नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा केदारनाथ के लिए ही चलते हैं। तो टीचर ने बोला चलो ठीक है, फिर इधर उधर से मतलब टाइम तो निकाल के डे फिक्स किया कि इस डे को हम जाएंगे, तो उसी डे को हम निकले। और आज का जो प्लान बना हुआ था वो बना हुआ था 10 बजे का। मैंने कहा 10 बजे निकलेंगे आराम से, कोई दोस्त भी आ रहा था यूपी से, तो दोस्त जो है उसको आने में थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो मैंने कहा कि हम आगे निकलते हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो मैं इसे छोड़ दूंगा कि मैं आगे निकलता हूँ और तुम हमें आगे ज्वाइन कर लेना। और बाकी मैं अभी चुंगी पे पहुँचा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे रोड क्रॉस ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल जो है गाड़ी बहुत गंदी चलाते हैं बाहर वाले, तो इसलिए आराम से रोड क्रॉस करते हैं और ITI के गेट पे चलते हैं। सर ITI के गेट पे वेट कर रहे हैं। तो आज बोल रहे थे कि उत्तराखंड बंद है, लेकिन बंद के हाल तो ये दिख ही रहे हैं कि मतलब किस तरह से गाड़ियाँ चल रही है धड़ाके से। तो भाई मैंने सोचा था कि आज एक भी गाड़ियाँ नहीं होंगी वगैरह, तो ऐसे उत्तराखंड बंद है आज। ट्रैफिक जाम बहुत तगड़ा लगा हुआ है, तो मुझे लग रहा है ऐसे ट्रैफिक में तो पहुँचते पहुँचते दिक्कत हो जाएगी। और जो दोस्त है वो दरअसल अभी देवप्रयाग पे है, तो देवप्रयाग से आने में उसको टाइम लगेगा करीबन 1 घंटा, तो तब तक हम आगे निकलते हैं। और मैंने बोला है कि अगर आप आगे मिलो तो ज्वाइन कर लेना हमें, तो उनसे बात होती रहेगी। मतलब सब कुछ तैयार है, बैग भी तैयार है, और मैं अभी सर के रूम पे आया था, तो सर ने भी अपना सामान रख लिया है जो भी वहाँ के लिए चाहिए। और फिर अभी यहाँ से जो है ट्रैवल स्टार्ट होगा, यानी देखेंगे कितना टाइम लगेगा। पहले तो 2-2.5 या 3 घंटे में तो कवर हो जाएगा, इतने में कवर हो जाएगा, ज़्यादा दूर है नहीं कवर करने के लिए। और दोस्त जो है वो 10 बजे था देवप्रयाग, तो उसको भी आने में थोड़ा मतलब 1 घंटा करीबन लगेगा, तो हो गया है मतलब आधा घंटा तो हो गया है। वैसे नॉर्मल 45 मिनट एक्सप्लोर रहता है। वैसे तो बोलने के लिए तो आज उत्तराखंड बंद था, तो मैंने आपको बता दिया, और क्या ट्रैफिक की हालत है वो भी आपने देख ली। तो हम जाने वाले हैं रॉयल इनफ्लीट मेट्रो 350 पे, और सर की बाइक है तो सर के साथ चलेंगे। यहाँ से जैसे मैंने बताया 3 घंटे करीबन का रास्ता होगा, तो बाकी तो सारा सामान रख लिया, सर ने अपना बैग रख लिया, मैंने भी अपना बैग रख लिया, बाकी दोस्त भी श्रीनगर पहुँचने वाला है। फिर जो है हम दोस्त के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, फिर सही रहता है ग्रुप में चलना, क्योंकि वो भी यूपी से आ रहा है, तो उसको भी उतना पता नहीं है यहाँ के बारे में, तो फिर भी अच्छा रहता है कि चलो गाइडेंस हो जाता है। तो अभी हम श्रीकोट पे पहुँचे, और श्रीकोट से आगे निकलना हमें रुद्रप्रयाग के लिए। तो यहाँ से रुद्रप्रयाग कम से कम ऐसे होगा 20-25 किलोमीटर होगा, ज़्यादा तो है नहीं, 20 किलोमीटर है। फिर यहाँ से रोड भी अच्छी है, मतलब जल्दी आदमी 20 किलोमीटर को कवर कर लेता है, ज़्यादा मतलब वो नहीं होता। तो रोड भी अभी नेशनल हाईवे बना हुआ है नया, तो उसमें इतना ट्रैफिक लगता नहीं है। लेकिन आज तो सुना था कि उत्तराखंड बंद है, लेकिन ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा है ट्रैफिक। आपने देखा अभी पीछे श्रीनगर में ट्रैफिक लगा था, उससे पहले मैंने आपको ट्रैफिक दिखाया। लेकिन आगे का रास्ता कैसा रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो सिरोमगढ़ पे होती है, और सिरोमगढ़ का ऐसा सीन है कि वहाँ पे टूटना बहुत ज़्यादा है, तो वहीं की सबसे ज़्यादा मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। अगर एक बार वो क्रॉस हो जाता है फिर तो लगता है कि भाई अब तो जर्नी लगभग क्रॉस हो जाएगी। और ये रहा दारी देवी टेम्पल, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे जाना था क्या हमें? नहीं नहीं, नीचे नहीं, धारी देवी टेम्पल है। और यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्त को भी फ़ोन कर लेते हैं, और सर भी। दोस्त अभी देखो व्यू क्या तगड़ा लग रहा है, मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन जितनी बार आता हूँ ना हमेशा कुछ ना कुछ नया लगता है,
और काफ़ी लाजवाब लोकेशन है। तो आपको ये वाली लोकेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार, ऐसी लोकेशन आपको दिखाता रहूँगा। सोचा नहीं था कि मतलब धारे देवी टेम्पल पे आएंगे केदारनाथ यात्रा करते हुए, और अभी फाइनली मंदिर के पास आया हूँ। तो सोच रहा हूँ कि अगर दर्शन हो जाते तो बेटर होता, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है भाई, बहुत टफ है। यहाँ तो सारे रुक गए दोनों साइड से। मैं सोच रहा था प्रसाद चढ़ा के चले गए, लेकिन मतलब केदार जाने के टाइम पे डिसाइड नहीं किया था कि मतलब धारे देवी दर्शन करेंगे, और फिर भी आ गए तो चलो सोचा कि यार कर देते हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है उसके बाद, क्योंकि भीड़ तो पीछे देख रहे हैं कितनी लंबी लगी हुई है, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा उस अकॉर्डिंग फिर भी कोशिश करेंगे टाइम से कि मतलब। हेलो दोस्त का फोन आ गया। हेलो बैठ जाओगे गाड़ियों से, शर्म भी नहीं है बहुत कुछ।